हे गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल अभीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोगों के साथ ये लहंगा साड़ी ड्रेपिंग्स शेयर करने वाली हूँ। पर्सनली मुझे ये ड्रेप सबसे अच्छा लगता है। सिल्की साड़ीज़ में बहुत सुंदर लगता है, किसी शादी वगैरह में जाओगे तो चार चांद लग जाते हैं आपके लोग को। यहाँ पर मैंने एक कैनकेन स्कर्ट पहन ली है जो कि मैंने अमेजोन से परचेज की थी। इसके बाद मैं साड़ी का सबसे लास्ट वाला एंड, बड़ी बात तो ये कि इसमें ब्लाउज़ नहीं कट आता तो ये साड़ी ना थोड़ा सा डिफरेंट सी लगेगी। एक्चुअली ये ब्लाउज़ का पीस है जो मैं फोल्ड कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पर ना आपको बस प्लीट्स बनाते जाना है। सिल्की साड़ीज़ में ना ये बहुत ही नीट और क्लीन लगता है, लेकिन थोड़ी मेहनत भी लगती है एज वेल एज आप नॉर्मल साड़ीज़ में अगर ये बनाओगे तो वो लुक आएगा ही नहीं, इसलिए मैंने सिल्की साड़ी प्रेफर की है। एंड यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ ना अपना ऐसा मैचिंग का कुछ हैवी सा पहन लिया। इसके बाद आपको बस इसकी प्लीट्स बनाते जाना है और एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको टक करते जाना है बगल बगल में। ठीक है, बगल बगल में करना है, गैप बराबर छोड़ोगे तो वो देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। जितना आपने मतलब ना आपकी दूरी और आपका क्लीन रहेगा उतना ज़्यादा सामने से वो लहंगा लुक देगा। एंड ये साड़ी ड्रेपिंग जो है ना ये बहुत रॉयल लुक देती है, लेकिन क्या होता है ना कई बार ये बहुत, जैसे आप बहुत हेल्दी हो और आपने ये वाला ड्रेप अगर ट्राई किया तो ये आपको थोड़ा और हेल्दी दिखाएगा। तो मैं आपको बताऊँगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, जितना आप जैसे पतले दुबले से हो ना तो ये ड्रेप आपके ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। एंड आपको खुद को ना कमर से बहुत सुंदर सा लुक देखेगा, बहुत ही प्यारा सा। इस तरह की ड्रेप के साथ ना आप कोई भी हैवी ब्लाउज़ पहन सकते हो, बिकॉज़ ये थोड़ा लहंगा साड़ी टाइप का लगेगा। एंड लहंगा साड़ीज़ में ऑब्वियसली हैवी ब्लाउज़ होते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको टक करना शुरू किया है। थोड़ा सा ना आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज़ ये ड्रेप देखने में जितना सुंदर लगता है इसको करने में ना थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी। तो यहाँ से अभी मेरी साड़ी शुरू हो रही है, देखो प्लेन वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ से मेरी साड़ी शुरू हो रही है। लेकिन मैंने एकदम शांति से मन लगा के बस इसको टक करना शुरू कर दिया। एंड आपको बस अच्छी सी प्लेट्स बनानी है कि नीचे तक वो पूरी बराबर रहे, ऐसा नहीं ऊपर से मोड़ मोड़ के टक करते जा रहा हूँ नीचे कुछ बनता ही जा रहा है, तो नीचे भी पूरा मेंटेन रहना चाहिए। एंड ऐसी ड्रेप के लिए ना आप कैनकेन स्कर्ट नहीं भी पहनना चाहो तो आप कोई अपना लहंगा पहन सकते हो जो लाइट वेट हो लेकिन थोड़ा फूला फूला सा हो। अगर बहुत भारी लहंगा पहनोगे उसके ऊपर इतना ड्रेप करोगे तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप चाहो तो आप कोई हल्का लहंगा पहन सकते हो जिसमें कैनकेन स्कर्ट हो, मतलब ऑलरेडी जो फूला फूला सा हो, ताकि थोड़ा ना फूला वाला लुक आए। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रेप करती जा रही हूँ एंड करते करते ना मैं साड़ी के उस हिस्से में पहुँच गई जहाँ से साड़ी का सामने फ्रंट वाली प्लीट्स शुरू हो। तो ना इससे क्या हुआ, ब्लाउज़ नहीं निकलना है मैंने, इससे मेरी पूरा जो लुक है ना वो तीन शेड में लगेगा। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग जो हुई थी वो थोड़ा सा भरा हुआ काम के साथ थी, फिर बीच में प्लेन, फिर ये गोल्डन वाला हिस्सा। ओवरऑल बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत लोगों को ये प्रैक्टिकल नहीं लगता, बट ट्रस्ट मी अगर आप कहीं शादी ब्याह में जा रहे हो और आप ऐसा कर रहे हो तो ये अच्छा लगेगा। मैंने खुद भी ट्राई किया है, मैंने ये वाला ड्रेप करवा चौथ में ट्राई किया था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मतलब ये वाला नहीं था, इसी से मिलता जुलता था तो मुझे अच्छा लगता है ये। तो बहुत सुंदर सा देख रहे हो आप लोग आ रहा है, थोड़ा सा ना कहीं कहीं से ऐसे लग रहा है कि क्लीन कम है जो मुझे अब लग रहा है, लेकिन मैंने बाद में उसको सेट कर लिया था। थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, और चाहो तो ना तो पास पास ही ढेर सारी बना लो और उसके उसको फैला लो, हल्का सा फैला भी सकते हो या फिर चाहो तो दूर दूर बनाते जाओ, दोनों चीज़ें ईजी हैं। तो इस तरीके से मैंने ये पूरी प्लेट्स बना ली। बहुत समय लगा, जितना आपको दिख रहा है इतना ही समय लगा एक्चुअली। तो और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा, और क्या कंटेंट आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी। एंड आई एम रियली सॉरी मैं कुछ दिनों से थोड़ा इनएक्टिव हूँ, थोड़ा सा फैमिली में बिज़ी हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनएक्टिव हूँ, बट बहुत ही जल्दी मैं प्रॉपर एक्टिव हो जाऊंगी। ऑल्सो मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए शूट किए हैं, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो शेयर करने के लिए, बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनाती जा रही हूँ भाई, ये तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं वही कह रही हूँ कि थोड़ा सा ना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ना आपको खुद थकान महसूस होगी। और मैं अपनी बात बताऊँ, मैं ना शूट करते समय पंखा नहीं चलाती, और ये जो एरिया जहाँ मैं शूट करती हूँ यहाँ पर एसी नहीं लगाया मैंने अभी, तो मैं इतनी गर्मी में भाई साहब इसमें जुटी हुई थी। तो ये जो मतलब मेरी मेहनत है ना, ये मुझे तभी मतलब सार्थक लगेगी जब आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, तो ना मुझे सुकून मिलेगा। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि ये काम आप ज़रूर कर दें, क्योंकि अकेले ये सारी चीज़ें करना, आई जस्ट होप कि आप लोग समझते हैं। एंड बाकी आप लोगों के प्यार की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हमें कंधे वाला पल्ला बनाना है। ये कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। पर्सनली इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे ये लुक कि मैं क्या बताऊँ, इसकी फ़ोटोज़ मैं अटैच करूँगी, आप ज़रूर देखना लास्ट में।
अब हम पल्लू बनाएंगे, ठीक है। पल्लू जैसे नॉर्मल आप आगे का पल्ले की साड़ी पहनते हो ना, सीधा पल्ला की साड़ी, वो वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड करना शुरू कर दिया है इस तरीके से, कुछ आप देख सकते हो। इसको भी थोड़ा सा ना बहुत नीट और क्लीन तरीके से बनाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ना इस पल्लू को पहले फंसा दिया, उसके बाद सेट किया। क्योंकि ना सिल्क की साड़ियाँ कई बार थोड़ी सी रिजिड हो, थोड़ी सी हार्ड होती हैं, उनको सेट करने में भी मुश्किल होता है। जैसे नीचे वाला हिस्सा देखो कितना आराम से बना लिया, अब ये पल्ला बनाने में नानी याद आएंगी। लेकिन मेरे पास इसके लिए भी ट्रिक थी, मैं वो यूज़ नहीं करती, प्रेसिंग मशीन नहीं यूज़ करती, मैं अपने हाथ से ही प्रेस करती हूँ। और यहाँ से मैंने ये शुरू कर दिया इसको सेट करना। मुझे पर्सनली पसंद है कि मेरी साड़ी, लहंगा, जो भी मैं पहनूँ वो अच्छा लगे, परफेक्ट लगे। उसके लिए भले मुझे मेहनत करने पड़े, चलता है मुझे, लेकिन मुझे अच्छा चाहिए। तो उस अच्छे के चक्कर में ना मुझे बड़ा समय लग जाता है बनाने में। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से प्रेस किया अपने हाथों की हेल्प से, मेरे हाथ अपने आप प्रेस का काम करते हैं खूब अच्छे से। और मतलब जो रही सही कसर थी वो मैं भी अपने पेट से दूर करूँगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर तरीका अपना लेती हूँ साड़ी को सेट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको इस तरीके से प्रेस किया, इसमें बस आपको बस घुमाना है और वो बहुत अच्छे से मतलब एक जगह सेट हो जाते हैं सारे पल्ले। इसके बाद मैं इसे कंधे पर रख लूँगी। कंधे पर रखने के बाद यहाँ पर हम इसको पिन लगा लेंगे और पल्ले को सेट कर लेंगे। एक चीज़ और ध्यान देनी है, पल्ले का जो एंड होता है इसको पीछे नहीं ले जाना है, बगल में ही रखना है साइड में, ठीक है। और छोटा रखना है, फ्रंट पल्ला अपने को लंबा नहीं रखना, छोटा रखना है। तो मैंने यहाँ छोटा रखा है जिससे कि दिखे, यार लहंगा साड़ी पहना है तो दिखना भी चाहिए, इतनी मेहनत लगी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको कुछ सेट कर लिया है, आप देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा था लुक। एंड इसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट ऐड करेंगे। बेल्ट ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि बेल्ट से ना थोड़ा लुक आ जाएगा, और ये रुक भी नहीं रही थी, मतलब ये साड़ी को रोकने के लिए ना आपने कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कोशिश की कि मैं बेल्ट ऐड करूँगी, बट उससे पहले ये सारा सेट अच्छे से हो जाएगा तभी बेल्ट अच्छी लगेगी। एंड इसको अच्छे से मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे। फ्रंट पल्ला बहुत प्यारा लग रहा था, आप चाहो तो और बड़ा कर सकते हो या और छोटा कर सकते हो, और छोटा तो ख़राब लगेगा। इसके अंदर मैंने बेल्ट लगा ली, कुछ लोगों को लगेगा कि बेल्ट ये गलत जगह लगी, थोड़ा ऊपर लग गई थी, बट नीचे इसलिए लगाई ना ताकि कमर पे थोड़ा सपोर्ट रहे, वरना ये पल्ला गिरने लगेगा। और पीछे का भी ना मैं अपने आप से ही कैमरे में देख के ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि पीछे का एरिया कम बच रहा था तो मैंने बस पिन अप कर लिया था, दैट्स इट। एंड ये है मेरा फाइनल लुक, आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, सब जगह से बहुत सुंदर लग रहा था। और इसके बाद मैं ज्वेलरी पहनूंगी और मेरा लुक कंप्लीट हो जाएगा। एंड वीडियो कैसा लगा है मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, एंड वीडियो जैसा भी लगा है मुझे प्लीज़ शेयर करिएगा, एंड ढेर सारा प्यार दीजिएगा, दैट्स इट। नए वीडियोज़ के साथ, क्रिएटिव चीज़ों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, एंड प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा डांस भी कर रही थी, बिकॉज ना ये लुक के बाद ना आपका डांस करने का मन ज़रूर करेगा, बिकॉज आपके कमर की, आपके बैक की जो शेप आती है ना उसमें नाचने का मन तो करता ही करता है। मुझे पर्सनली लुक बहुत पसंद आया। एंड ये ब्लाउज़ मैंने कहाँ पहना था ये बताइएगा ज़रूर, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि ये ब्लाउज़ कहाँ का है। अभी आप लोग ज्वेलरी का लिंक मांगोगे तो आई एम रियली सॉरी, ज्वेलरी जो है ऑफलाइन है, मैंने कानपुर शिवाला से ली है, मैं कानपुर में रहती हूँ, शिवाला से मैंने ये ज्वेलरी परचेज़ की थी बहुत टाइम पहले। ये चूड़ियाँ, ये कड़े, सब कुछ ऑफलाइन है। ये मेरा फाइनल लुक है। आई जस्ट होप कि मैंने आपको कन्विंस कर दिया है कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया और ये क्रिएट करने में कितनी मेहनत लगी है, और आप लोग भी इसको घर पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर क्रिएट करिएगा ना तो टैग करके मुझे ज़रूर बताइएगा, इंस्टाग्राम पे आप पिक्चर डालिएगा और टैग करिएगा मुझे भी, सो दैट मैं उसको रीपोस्ट कर सकूँ। तो प्लीज़ ऐसा लुक क्रिएट करिए, मुझे टैग करिए, सो दैट मैं रीपोस्ट कर सकूँ और आपको फीचर कर सकूँ अपनी आईडी में। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, एंड ये वीडियो देखिए, इंजॉय करिए, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए जो कि है अभीक्षा एंटरटेनमेंट। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अभीक्षा 1209 ऑफिशियल, जहाँ पर मैं हर दिन कम से कम 2 से 3 नए कपड़े दिखाती हूँ आपको, तो मेरा काम ही यही है। तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।